नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट चौथा है और इसमें हम अलग टाइप्स के प्रश्न लेकर आ गए हैं। जैसे शेषफल पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उस टाइप के प्रश्न मैंने लेकर आ गए हैं। तो अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते होंगे तो ये मैथ वाला टॉपिक जो है आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और ट्रिकी मैथ के माध्यम से मैं ट्रिक के माध्यम से हर टाइप के क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और एक चीज आपको बता दो कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। याद रखिएगा वहां पर मैथ का भी मैं नोट्स अपलोड किया हुआ हूं, तो जाकर आप ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है। तो आज हमारा शेषफल पर आधारित प्रश्न है और इसमें सिर्फ मैंने दो ही प्रश्न उठाए हैं क्योंकि इसी टाइप्स के प्रश्न जो है बनते हैं जो दोनों प्रश्न मैंने शेषफल पर उठाए हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर पहले को हल करते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या को 25 से, याद रखिएगा 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो ये प्रश्न जब भी आपको ऐसे पढ़ने पर मिले, तो आपको पहले वाले शेष पर फोकस करना है। बस जैसे कहा कि यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, तो उस यदि उसी संख्या को, मतलब उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो डायरेक्टली आपको कुछ मत करना है, 7 पर, यानी जो 7 आपका दिया गया है पहला शेष, उसको भागफल से, यानी कि जो दूसरा भागफल दिया गया है उससे भाग दे देना है। तो 5 से भागेंगे तो 5 एकम 5 और शेष हमारा 2 बचा। ये हमारा जो है शेष है और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, पहला वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। एकदम कितना सरल लग रहा है प्रश्न को, सिर्फ इतना बड़ा करके कुछ दिया है, कुछ है नहीं। जैसे कि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष और यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो पहला वाला जो शेष पर बच रहा है दूसरे पहले भाजक से आपको भाग दे देना है। तो हमने यहाँ पर 7 में 5 से भाग दिया, 2 शेष हमारा आया। इस तरह से हमारा पहला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। तो कितना अच्छा है, यही मेथड का आप उपयोग करिएगा ऐसे टाइप्स के प्रश्न आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। याद रखिए 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो एकदम वही है लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा मेथड बदल गया है कि उसी संख्या के वर्ग को बात कर दिया गया है, वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो बस कुछ मत करना, इसमें भी वही मेथड उपयोग करना है। शेष जो पहला वाला बचा है उसको क्या करेंगे कि लिख देंगे। अब उसी शेष बचता है उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 16। और हम 16 में क्या करेंगे, किससे भाग देने की बात कर रहा है तो 5 से, तो 5 हम यहाँ पर रख देंगे और भाग देंगे तो 5 क्या ही हमारा 15, शेष बचा 1। तो 1 हमारा जो है क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा और यही हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा, पहला विकल्प। तो समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर वर्ग दिया गया है, आप समझेंगे वहां पर वर्ग दिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको घन भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। और घन देगा तो यहाँ पर वर्ग 2 की जगह पर 3 कर देंगे, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, वर्ग भी दे सकता है, घन भी दे सकता है, गुना भी दे सकता है। कहेगा कि उसी संख्या के गुने को, मतलब उसी संख्या के 4 गुने भी कह सकता है, 3 गुने भी कह सकता है, तो वो सब कह सकता है इस प्रश्न में। तो जैसे कि 4 गुना कहेगा तो 4 का 4 गुना 4, 4 चौको 16, 16 में 5 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा। अगर 3 गुना कहेगा तो 3 से गुना कर देंगे, 2 गुना कहेगा तो 2 से गुना कर देंगे। अगर घन कहेगा,
घन कहेगा तो चार पर आप क्या करेंगे, घन कर देंगे और चार चौको 16 चौको 64। अब 64 में आपको पांच का भाग देंगे, तो समझ में आ गया ना, घन भी दे सकता है, वर्ग भी दे सकता है और गुना भी दे सकता है। तो बस इतना ही इसमें था और बाकी कुछ नहीं था। तो मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को स्टार्ट कर देखिएगा, आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।